पूर्व भारतीय कप्तान और जूनियर क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ लगातार अंडर 19 लेवल के खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय अंडर 19 टीम का सिलेक्शन श्रीलंका टूर के लिए किया गया है और नियमों में बदलाव करते हुए द्रविड़ ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। अंडर 19 टीम में आर्यन जुयाल को वनडे टीम का कप्तान बनाया है, जबकि अनुज रावत को उप कप्तान बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर चार दिवसीय क्रिकेट में आर्यन उप कप्तान हैं, जबकि अनुज कप्तान हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही विकेट कीपर हैं। आपको बता दें कि द्रविड़ ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्ल्ड कप खेल चुके खिलाड़ियों पर चर्चा नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें अंडर 19 टीम में मौका नहीं मिलेगा। दरअसल ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि जिन प्लेयर्स की उम्र अगले वर्ल्ड कप तक 19 साल से अधिक हो जाएगी तो वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के योग्य नहीं रहेंगे, ऐसे में उन्हें चुनने से फायदा नहीं होगा। इस बारे में बीसीसीआई की ओर से बताया गया कि इन दोनों खिलाड़ियों का सिलेक्शन का फैसला राहुल द्रविड़ और जूनियर टीम के चयनकर्ताओं की ओर से किया गया है। अब देखना ये है कि राहुल द्रविड़ और जूनियर टीम के चयनकर्ताओं का ये निर्णय भविष्य में कितना सही साबित होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।